हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस का मोदी पर पलटवार, कहा कभी नेहरू के कद को भी नहीं छू सकते। कांग्रेस ने किसानों को लेकर पंडित जवाहर नेहरू के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया और कहा कि मोदी कभी भी नेहरू के कद की बराबरी नहीं कर सकते और उनकी पहचान अप्रासंगिक बातें करने वाले एक नेता की ही रहेगी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ऐतिहासिक तथ्यों को लगातार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी भारतीय किसान और उनकी समस्याओं पर विशेषज्ञ होने का दावा कर रहे हैं। पंडित जी का अपमान करना मोदी जी की आदत बन चुकी है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता और उनके ऐसे वक्तव्य निंदनीय है। दोस्तों, उन्होंने कहा, पंडित नेहरू के भारत के गांव गांव की बैलगाड़ी से यात्रा कर भारत के किसानों की विवशताओं, आशाओं और आकांक्षाओं को समझा था। मोदी जी की तरह हेलीकॉप्टर से नहीं, उन्हें पंडित जी पर ज्ञानवर्धन के लिए उनका 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और 1937 के फेसपुर में दिए गए भाषणों को पढ़ना चाहिए। शर्मा ने कहा, नेहरू एक भद्र और विशाल व्यक्तित्व थे। उनसे तुलना करके मोदी हमेशा अप्रासंगिक बयान देने वाले के तौर पर याद किए जाएंगे। दरअसल सोमवार को एक चुनावी सभा में नेहरू का नाम लिए बिना कहा था कि एक नेता गुलाब लगाते थे और उन्हें बागवानी का भी ज्ञान था, लेकिन खेती के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। इस कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। बुलंदशहर हिंसा, समीक्षा बैठक में सीएम योगी का केवल गोक्षी पर फोकस, इंस्पेक्टर की मौत पर एक शब्द भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बुलंदशहर में गोक्षी के शक में हुई भीड़ की हिंसा पर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी का समीक्षा बैठक में पूरा फोकस गोक्षी पर रहा। इस दौरान उन्होंने हिंसा में मारे यूपी पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर एक शब्द भी नहीं बोला। सीएम ने इस घटना पर मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के साथ बैठक की। बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें इंस्पेक्टर का कहीं जिक्र नहीं था, न ही इसमें हिंसा और पुलिस सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई बात की गई है। सीएम योगी ने बैठक में घटना की समीक्षा कर निर्देश दिए, इसकी गंभीरता से जांच की जाए और गोक्षी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसलिए गोक्षी के मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों के समय पर गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा में मरने वाले युवक सुमित के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह भी निर्देश दिया गया कि अभियान चलाकर माहौल खराब करवाने वाले तत्वों को बेनकाब करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर के एक गांव में खेतों में कथित रूप से गाय के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ नहीं मानी और ज्यादा उग्र हो गई। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ के इस हमले में मौत हो गई। इसके अलावा एक सुमित नाम के युवक की भी इसमें मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने 27 लोगों को नामजद किया है और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस मामले में करीब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बेरोजगार महासंघ ने कांग्रेस को दिया समर्थन, इन बातों पर बनी सहमति। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और PCC चीफ सचिन पायलट से वार्ता के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। जयपुर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद तिवारी के साथ पवन खेड़ा एवं सत्येंद्र राघव की मौजूदगी में साझा प्रेस वार्ता करके राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने कांग्रेस को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा की। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने रीट शिक्षक भर्ती सहित सभी लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवाने और प्रतिवर्ष सभी विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर समयबद्ध भर्ती निकालने का आश्वासन दिया है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों सहित अन्य संविदा कर्मियों को नियमित करवाने एवं प्रदेश की स्थानीय बेरोजगारियों को अधिक से अधिक मौका देने के लिए रास्ता निकालने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा युवा बोर्ड के माध्यम से बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण करवाने एवं बेरोजगारों को
धरने बेरोजगारों पर धरने प्रदर्शन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेने को लेकर भी आश्वस्त किया गया है। उपेन ने बताया कि सामान्य श्रेणी के गरीब योग्य अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदान योजना, बेरोजगार परीक्षार्थियों का किराया माफ करने की घोषणा एवं आगामी होने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षण भर्ती का पैटर्न पुराने और राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर करने सहित बेरोजगारों की अन्य मांगों पर भी सहमति जताई गई है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास दिलाया है कि सत्ता में आने के बाद बेरोजगारों की तमाम समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। उपेन के अनुसार कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय समय की परिस्थितियां और बेरोजगारों के हितों को देखते हुए ही लिया गया है। बुलंदशहर बवाल के बाद बिगड़ सकते हैं वेस्ट यूपी के हालात, बेहद खतरनाक है खुफिया इनपुट। वेस्ट यूपी में गोक्षी की वारदात कभी भी माहौल बिगाड़ सकती है। यहाँ गोक्षी की वारदात के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बागपत समेत कई जनपदों में माहौल खराब करने की साजिश भी हो चुकी है। दोस्तों, खुफिया विभाग कई बार शासन को इनपुट भेज चुका है कि वेस्ट यूपी में जिलों में गोक्षी जैसे मुद्दों से बवाल कराने की प्लानिंग चल रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इसके बावजूद बुलंदशहर जिले में बवाल हो गया। गोक्षी पर सांप्रदायिक माहौल बनाकर वेस्ट को सुलझाने की गहरी साजिश है। 2019 चुनाव से पहले वेस्ट यूपी में बवाल हो सकता है, गोक्षी विस्फोटक करा सकती है। इसको लेकर खुफिया विभाग शासन को कई बार इनपुट भेज चुका है। दोस्तों, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर समेत कई जिलों में गोक्षी पर हिंदू संगठन और दूसरे समुदाय के लोग आमने सामने आए। कई बार स्थिति ऐसी बनी कि गोक्षी को लेकर पथराव, वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी जैसी घटनाएं हो चुकी है। पुलिस पर फायरिंग तक हो चुकी है। मेरठ में खास तौर पर लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी, सरधना, सरूरपुर, किठौर, भावनपुर, जानी, इचौली, दौराला, खरखौदा और मुंडाली में गोक्षी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनवा चुकी है। गोक्षी को लेकर जल्द ही जनाक्रोश भड़कता है। दादरी में घर में गोमांस मिलने के शक में इकला को पीट पीट कर मार डाला, उसको लेकर दादरी में बवाल हुआ था। गाजियाबाद व नोएडा में गोक्षी को बवाल करा चुकी है। वेस्ट यूपी में दंगा भड़काने की कई बार साजिश हुई, गनीमत रही कि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाला। दोस्तों, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ समेत कई जनपदों में रोजाना गोक्षी को लेकर तनाव की स्थिति होती है। वेस्ट यूपी में गोक्षी पर मारपीट, पथराव और आगजनी की घटना होती है। इसकी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को मालूम है। गोक्षी के शक में दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला होने की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी आपत्ति जता चुके हैं। कई बार प्रधानमंत्री ने मंच से बोला है कि हिंदू संगठन या फिर किसी भी दल को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता को कई बार पीएम हिदायत भी दे चुके हैं। गोक्षी होने की खबर लगते ही लोगों की भीड़ उमड़ती है। कई संगठनों के लोग थाने में घेराव करते हैं, तीखे तेवर और हल्ला मचाकर माहौल बनाने की कोशिश होती है। पुलिस भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के सामने बेबस नजर आती है। सत्ताधारी नेता भी पुलिस पर बेवजह दबाव बनाना मानो उनकी आदत सी हो गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मानते हैं कि गोक्षी वेस्ट यूपी के जिलों में बखेड़ा कर सकती है। दोस्तों, पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग का इनपुट बेहद खतरनाक है। मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक गोक्षी की घटनाएं हुई है। इतना ही नहीं, गोतस्कर पुलिस पर सीधा हमला बोलते हैं। कई बार पुलिस की जान तक बची है। सूत्रों की माने तो वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा खतरनाक गोक्षी की घटनाएं है, जिसको लेकर माहौल खराब कराया जा सकता है। बुलंदशहर हिंसा, प्रवीण तोगड़िया का बयान, बोले भाजपा सरकार की वजह से हुआ बवाल। बुलंदशहर के स्याना कस्बे में सोमवार को हुए बवाल पर विहिप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मेरठ पहुंचने पर योगी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर गोक्षी क्यों हुई, भाजपा गोक्षी कर कानून क्यों नहीं बना रही। इस समय तो केंद्र और प्रदेश में आपकी ही सरकार है, उसके बाद भी गोक्षी की घटनाएं नहीं रुक रही है, इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण हो रहा है। भाजपा अपने मार्ग से भटक गई है। सरकार में आते ही पार्टी पदाधिकारियों के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि स्याना जैसी घटनाएं समाज के लिए कलंक है। इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक युवक मारा गया है। दोस्तों, मेरठ पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गो हत्या बंद नहीं हुई, इसलिए बुलंदशहर में एक गो रक्षक और एक इंस्पेक्टर की जान गई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस में मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ चल रही है, पत्थरबाजों के केस वापिस हो गए, मोदी जी मस्जिद में चले गए।
किसानों को लेकर भी उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए, ऐसे में किसानों ने 2019 में वोट नहीं देना चाहिए। दोस्तों उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही बढ़ती जनसंख्या का कानून लगाएंगे और मुस्लिम को 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने देंगे। कहा जाए तो बढ़ती जनसंख्या का सारा जिम्मा उन्होंने मुस्लिमों पर थोप दिया है। राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा 4.5 साल में उन्होंने मंदिर नहीं बना, उनके लिए राम मंदिर एक वोटिंग मशीन है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो देश और उप्र में भाजपा की सरकार है, फिर राम मंदिर निर्माण होने में अब किस बात की देरी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।